हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द संडे ब्लॉग। अभी हो रहा है शाम के 7। जो इवनिंग स्नैक्स है वो हम लोग कर चुके हैं और बस चाय नहीं पी अभी तक, बनाने जा रही चाय। और यहाँ पे मायरा देख रही अपनी कार्टून, उसको हर टाइम अभी नहीं गाना चाहिए, मुझे लग रहा है मैं कुछ गाना वाना बना रही कार्टून वगैरह। तो और जो दिल्ली का मौसम है तो अच्छा तो है, काफ़ी अच्छा है। आजकल बारिश भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सर्दी भी हो गई है, लेकिन वही है कि आप बाहर नहीं जा सकते। अभी स्वेटर के जितना हो सके आप इंडोर में रहिए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और कल जो है, कल हम लोग बाहर नहीं गए थे संडे को या सैटरडे को, संडे जाते हैं यहाँ पे जो पास में छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के है, वहाँ पर जाके हम लोग सब्ज़ी वगैरह लाते ही। बट कल बारिश हुई थी, मौसम भी अच्छा नहीं था, तो मायरा को बाहर लेके नहीं जाना था। तो नीतीश जाके सारे जो शेयर होता है सब्ज़ी ग्रॉसरी वो सब लेके आए हैं, तो हम लोग तो घर पे हैं आज। और आज भी मौसम अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था मतलब, तो गर्मी तो है नहीं बट क्लाउडी था काफ़ी ज़्यादा। तो कोई नहीं, तो अभी चलते हैं किचन में, चलती हूँ चाय बनाने के लिए। उसके बाद में बहुत अच्छा डिनर बनाने वाली हूँ आज। कल इतना खास कुछ बनाई नहीं थी, तो आज संडे है, आज तो स्पेशल बनाना कुछ बनता ही है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। मायरा चलो आ जाओ बेटे, कम 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 हियर। किचन में डिनर बनाने, और आज डिनर में बना रही हूँ मैं गार्लिक नान और साथ में रहेगी पनीर। और दोपहर में मैं मटर की घुगनी बनाई थी, वो भी रह गया था, और स्वीट में गुलाब जामुन। तो एक प्रॉपर थाली होगी। और नान जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना होगा प्रॉपर वे में, तब जाके अच्छा नान बनता है। और आज का जो ये वीडियो होगा मैं एकदम डिटेल्स में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आप घर पे कैसे बना सकते खाना। वैसे अभी बाहर इतना ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, तो बाहर का खाना तो एकदम बिग नो है, नहीं तो बाहर से हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं।
तो बहुत आसानी से है, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी बनेंगे अच्छा नान। जो मैदा का डो बनाऊंगी मैं, उसके बाद उसको 1 घंटे का रेस्टिंग आवर देना बहुत ज़रूरी है। और जो 1 घंटे का रेस्टिंग आवर होगा उसी बीच में मैं बना लूंगी जो पनीर की सब्जी है, बटर पनीर वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ऑलराइट फ्रेंड, तो सबसे पहला मुझे काम करना है वो है दही का जो एक मिक्स है वो बनाना। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप दही, ये मेरा मेजरिंग कप है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो डोंट वरी, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी कप या जो बाउल आप यूज़ करते हैं उससे आप 1/2 कप ले लीजिए दही। ये थोड़ा सा गाढ़ी है दही, तो मैंने इसको अच्छे से एक मिक्स दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मुझे 1 टेबल स्पून ऑफ सूजी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये जो नान है उसमें एक हल्का सा क्रिस्पीपन देने के लिए सूजी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने दही को मिला लिया है सूजी में अच्छे से। अब मैं इसको छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैंने लेना है 2 कप मैदा, जिस कप से मैंने दही मेजर किया है उस कप से, लेकिन वो कप से मैंने दही मेजर किया तो उसमें दही लग गया है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप जो है उससे मैं मैदा ले रही हूँ, उसे मैं 4 बार ले रही हूँ। तो एक ही बात है, जिस कप से आप दही लीजिएगा 1/2 कप, उस कप से 2 कप आप मैदा ले लीजिए। अब मैदा को मुझे यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी स्टेप है, डोंट ओमिट दिस स्टेप, क्योंकि अगर आप मैदा को अच्छे से छानेंगे जो एयर है वो अच्छे से पास हो पाएगा मैदा में, जो बहुत ज़रूरी है। नान क्या, आप कोई भी केक वगैरह बनाते हो तो उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है मैदा को अच्छे से छान लेना। मैंने एक साथ लिए, आप लोग अगर चाहते तो थोड़ा थोड़ा मैदा भी ले सकते हैं छानने के लिए। तो इस अब मैं ले रही हूँ 1 कप जो है, उस 1 कप से दही गरम दूध, सॉरी दही नहीं दूध, दूध जो है ये एकदम गरम होनी चाहिए। मैंने अच्छे से उबाल लिया था इस दूध को, बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो मैंने बाउल लिया है। यहाँ पे डालने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ चीनी इसमें ऐड किया है। चीनी इसलिए ऐड करूँ क्योंकि मुझे इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है उसका टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। अब मुझे दूध में अच्छे से मिला देना, दूध गर्म है तो अच्छे से मिल जाएगा ये। इसके बाद मुझे ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल, इसको भी मुझे दूध में अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद जो दही वाला मिक्सर मैंने बना के रखा था ना, दही और सूजी वाला, वो मुझे इसमें डालना है और डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब जो मैदा मैंने लिया है मैं उसको अभी ले लूँगी। लेने के बाद मैं 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर उसमें ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। ऐड करने के बाद जो मैदा है उसमें मुझे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद जो ये मिक्सचर है, हाँ ये स्टेप ज़रूर ध्यान कीजिएगा, मिक्सचर जो है ये ज़्यादा बन जाता है, पर कभी भी उसको एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा मैदा, आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एक अलग से सर्विंग स्पून ले लिया है मिक्सचर को आटा में डालने के लिए, मैं सॉरी मैदा में, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ मैदा में, उसके बाद मैं मैदा को मिला रही हूँ क्योंकि दही इसमें डाला है, दही में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, दूध भी इसमें है तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है सब चीज़ में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा ये जो डो है, एकदम गीला नहीं होगा। जो मिक्सचर है थोड़ा सा बच गया था, सारे यूज़ नहीं हुआ था।
मैं पहले ही कोशिश कर रही हूँ कि जो मैदा है उसको अच्छे से, जो ये गीला वाला मिक्सचर है ना, उसको अच्छे से मिला देने के लिए। देखिए ये हल्का सा जो ये स्टिकीपन हो रहा है ना, हल्का सा गीलापन है, ये ज़रूरी है क्योंकि जो डो बनाना है नान के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। अगर आप लोग हार्ड बनाएंगे ये डो तो एकदम चीवी हो जाएगा जो नान बनेगा वो। तो मैंने मोटा मोटी एक मिक्सचर बना लिया। इसके बाद मुझे इसमें ऐड करना है रिफाइंड ऑयल। पानी मत ऐड कीजिएगा, इसमें रिफाइंड ऑयल ही ऐड करिए क्योंकि रिफाइंड ऑयल में चिकनाहट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो आटा का डो बनाने में बहुत हेल्प करेगा आपको। अब आप देख पाएंगे जो मेरे हाथ में ये मैदा लगा हुआ है ना ढेर सारा, वो धीरे धीरे सब निकल जाएगा ये मैदा का डो में। बस ये जो डोब है ना, ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और नान तो फटाफट बन जाएगा। हाँ मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि जो मिक्सचर हम लोग बनाए थे लिक्विड वाला, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अगर आपका मैदा ज़्यादा आप ले रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा और मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। अब देखिए जो हाथ में जो मैदा लगा हुआ था वो धीरे धीरे छूट रहा है सब। बस सॉफ्ट मैदा जो है वो एकदम रेडी है। अब थोड़ा सा मैं इसको हाथ से ऐसे मसल लूँगी अच्छे से। अब देखिए हाथ कितना साफ़ हो गया है मेरा। अगर आपको लगेगा कि और ज़्यादा रिफाइंड ऑयल आपको चाहिए तो आप 2-3 ड्रॉप रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। अब हो गया मेरा ये डो जो है मैदा का वो बन के रेडी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक डैम्प क्लोथ से इसको कवर कर दूँगी। मेरे पास ये मसलिन क्लोथ मैं रखती हूँ आटा को ऐसे ढकने के लिए, उसको मैंने ढक के छोड़ दिया है। और जो है यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को हीट कर रही हूँ 2 मिनट्स के लिए प्री हीट। ये बहुत ज़रूरी है, जो डो है इसको कहीं भी गर्म जगह पे आपको रखना है। तो मैंने माइक्रोवेव को 2 मिनट्स ऐसे प्री हीट कर दिया। उसके बाद मैं इसमें जो डो है उसको रख के मैं छोड़ दूँगी फॉर 1 आवर। बंद कर दिया मैंने माइक्रोवेव को। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई भी कंबल वगैरह को ढक के, कंबल वगैरह से ढक के डो को आप छोड़ दीजिए कोई गर्म जगह में। बस अब 1 घंटा मेरे पास टाइम है, तो इस बीच में मैं तैयारी कर रही हूँ जो बटर पनीर बनाऊँगी उसका। तो इसके लिए मैंने जो प्याज टमाटर है उसको मुझे बड़े बड़े पीस में ऐसे काट लेना है। 1.5 टमाटर लिया है मैंने और 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और गार्लिक ले लिया है मैंने यहाँ पे। और जो जिंजर है मैं उसको होल नहीं रखूँगी, मैं उसको ग्रेट करके डालूँगी। बस हो गया सारे सब्जी वगैरह काटना, कितना जल्दी हो गया आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिफाइंड ऑयल। आप पूरा बटर में भी इसको बना सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डालेंगे तो थोड़ा सा सही होगा फ्राई करने में प्याज टमाटर वगैरह। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब बटर चिकन में तो बटर ज़्यादा पड़ता ही है, हम लोग कंजूसी नहीं कर सकते इसमें बटर डालने में। तो मैंने यहाँ पे जो गार्लिक है उसको डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पे जो बड़ा बड़ा प्याज काट के रखा है मैंने उसको डाल दिया है। थोड़ा सा मुझे इसको फ्राई करना है। और जो बटर पनीर या बटर चिकन जो भी आप बनाते हैं ना, उसमें नमक थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि बटर जो ये अमूल का बटर या जो भी ब्रांड का बटर यूज़ करते हैं उसमें सॉल्ट पहले से होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके डालना पड़ेगा सॉल्ट को। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर के बाद नमक तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि टमाटर को गलने में बहुत हेल्प करता है। और मैंने डाल दिया यहाँ पे चीनी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बटर चिकन में। विदाउट चीनी तो नहीं जाएगा बटर चिकन। और गुड़ मत ऐड कीजिएगा इसमें। यहाँ पे जो जिंजर मैंने ग्रेट करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है। बस सबको मैंने अच्छे से एक मिक्स से दिया है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 10-12 पीसेस काजू, उसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब जो रूटीन के मसाले वो मैं ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया मैंने, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। बस और कुछ ऐड नहीं किया मैंने, गरम मसाला नहीं ऐड करती मैं बटर पनीर में, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बटर काजू से ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बटर पनीर में। बस और कुछ मेहनत करना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है मसाला को।
इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी, एकदम थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो ये मसाला है ये नीचे से चिपके ना। बस हो गया है, देखिए तेल भी छोड़ने लगा है तो मैंने गैस को कर दिया बंद। अब इसको ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी मिला के। तो मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई ले लिया है, मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि मसाला का तो सेम टेस्ट ही आना है। और इसे मैंने ऐड कर दिया है बटर, बटर पनीर में तो कंजूसी नहीं करना चाहिए बटर के लिए। तो थोड़ा सा बटर मेल्ट हो जाए थोड़ा सा मैंने स्प्रेड कर दिया है कढ़ाई में। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो पीसेस में काट के रखा है पनीर। सम पीपल बटर पनीर में कच्चा पनीर ही डाल देते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा सौते करके पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्राई नहीं करना है मुझे इसमें पनीर को, बस थोड़ा सा चला लेना है बटर में क्योंकि बटर का जो एक हल्का सा सॉल्टीपन है, एक मॉइस्चर है वो आ जाए पनीर में। अब देखिए जो मैंने कढ़ाई को धोया नहीं है और सेम कढ़ाई में मैंने पनीर को थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। अब देखिए कलर भी ले लिया है पनीर, है ना, जो मसाला का पेस्ट बना के मैंने रखा था उसको मैंने डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब सब कुछ मिला दूंगी अच्छे से और मसाला जो ये ऑलरेडी पका हुआ है तो मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, 5 मिनट्स में ये जो है ये बन के एकदम रेडी हो जाएगा। और जो गैस का फ्लेम है वो रखना है हम लोगों को एकदम तेज आंच पे। बस देखिए इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद इसमें जो ऐड करना है वो है कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट देता है बटर पनीर में, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया था मैंने इसको। मिलाने के बाद थोड़ा देर छोड़ दूंगी मैं इसको, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। गरम मसाला मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को बहुत पसंद है गरम मसाला का टेस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं था इसमें। और जो धनिया पत्ता का टेस्ट भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है बटर पनीर में। बस ये बन के रेडी है और ये जो बलून है ये होली का बलून है, सारे खत्म नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्याज का सलाद बना रही हूँ जिसके बगैर तो खाना, स्पेशली नॉर्थ इंडियन खाना अधूरा है। तो मैंने प्याज का जो पतला पतला स्लाइसेस कर लिया है, गोल गोल लंबा लंबा नहीं किया है, छोटा छोटा प्याज था तो उसका होल ही मैंने ऐसे स्लाइसेस करके हाथ से थोड़ा सा चूर लिया है ताकि अच्छे से सेपरेट हो जाए उसका हर एक रिंग्स। उसके बाद मैंने आधा नींबू जो है उसको निचोड़ लिया है इसमें, अच्छे से मिला लिया है हाथ के थ्रू से मैं इसको मिला रही हूँ ताकि अच्छे से जो नींबू का रस है ये चला जाए प्याज में। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ, और ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। बस रेडी है ये सलाद, ये अम्मी सा सलाद प्याज के, थोड़ा सा इसको मिला दूंगी अच्छे से मैं। क्योंकि हम लोग जो नान वगैरह होता है ना उसके साथ जो ग्रीन सलाद है उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये प्याज वाला सलाद खाने में। ये हल्का सा तीखापन होता है, हल्का सा ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया था, और खट्टापन होता है, फिर चाट मसाला का जो चटपटापन है वो भी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस उसको मैंने उठा लिया है प्लेट में, इसके बाद बनाने जाऊँगी मैं नान। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, 1 घंटा हो चुका है। अब देखिए ये जो मैदा है ये काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुका है हाथ लगाने से लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया है इसके ऊपर, कुछ ड्रॉप्स ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब इसको मुझे अच्छे से मिला देना है,
आपको देखने में लग रहा है काफ़ी चिकनाहट आ गया है इसमें और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब अपने हिसाब से इसका डो बना लीजिएगा, डो नहीं सॉरी जो बॉल्स होता है वो, इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना बड़ा तवा है उस हिसाब से। तो मेरे पास मीडियम साइज़ पे तवा था तो उस हिसाब से मैंने इसका डो बना लिया। और जो मुझे करना है, एक कटोरा में मुझे नॉर्मल पानी लेना है जो पीने वाला पानी होता है वो, और उसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट और उसको अच्छे से मिला के साइड करके रख देना है। अब जा रहे नान बनाने। अब नान जो है ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो मैं एक नान बनाते जाऊंगी और सर्व करते जाऊंगी नितेश को। वहां पे नितेश खाना खिला रहे थे मायरा को। तो ऐसे ऐसे हाथ से कर दीजिएगा तो जो मैदा का बॉल्स होता है डो का, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने में। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा जो बॉल्स है वो बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितना बड़ा आपके पास तवा है उस हिसाब से। और नान जो है ये थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता, ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था जो बॉल है वो। अब देखिए थोड़ा सा मैदा का जो है, मैदा का लेना है, ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा सा ही लीजिएगा ताकि बेलने में थोड़ा सा आसान हो। तेल मत लीजिएगा प्लीज़, इसमें मैदा ही लीजिएगा, नहीं तो आप तवा में चिपक नहीं पाएगा जो ये नान होगा। तो अपने हिसाब से बेलिएगा। नान जो है वो तो कभी इक्वल साइज़ का नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और वही अच्छा लगता है आपको। अगर लंबा अच्छा लगता है तो लंबा बनाइएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही शेप दे दिया है जैसे मैंने बोला है, गार्लिक नान बनाने के लिए। प्लेन नान से तो अच्छा लगता है गार्लिक नान, अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो ये वाला स्टेप आप ऑमिट कर दीजिएगा। और ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा गार्लिक को ढेर सारा, तो नान फूलेगा नहीं अच्छे से। गार्लिक के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है मैंने, चॉप धनिया पत्ता। इसके बाद थोड़ा कलौंजी ऐड कर दिए, आप लोग चाहते तो आप कलौंजी का नहीं प्रेफर करते तो अजवाइन जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया है इसमें बेलन से। अपना नान जो है हम लोगों को पतला ही अच्छा लगता है, तो मैंने पलट लिया है उस साइड को। अब जो नमक वाला पानी है उसको इसमें मिला देना है, अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे हर एक कोने में। और हाथ से जो मैं इसे दबा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कीजिएगा, नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जो नान फूलेगा नहीं अच्छे से, एयर नहीं आएगा उसमें। तो और तवा जो है उसको एकदम हाई हीट पर रखना है, बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है बहुत अच्छे से। तो मैंने भी तवा को हाई हीट पे रखा था और थोड़ा सा इसको लंबा करके मैंने चिपक दिया है। और थोड़ा सा हल्का हल्का से हाथ से प्रेस कीजिएगा। नान देखिए अभी कितना अच्छा फूल रहा है। जो फ्लेम है उसको मुझे मीडियम सी तेज आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज पे नहीं करना क्योंकि नान जो है मेरी पतली बनी थी। देखिए कितना अच्छा फुला है, लग रहा है ना दिखने में कितना अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना थी, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था जितना अच्छा बना था ये। अब देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। अब ये गैस में ऐसे शेकिंग है ना, उसमें और ज़्यादा फूल जाता है। तो मैंने तुरंत नितेश को देके आई थी नान। अब मैं उसको बटर भी मैं लगाई थी बट वो मैं शूट नहीं की थी, भूल गई थी, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो अब मैं सेकंड वाला आपको दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस में थोड़ा सा आटा जो है, सूखा वाला मैदा लेना है, सॉरी आटा नहीं, मैदा ले लीजिए। उसके बाद इसको अपने जो मर्जी है लंबा शेप में या टेढ़ा मेढ़ा जो भी शेप में आपको पसंद है वैसे शेप दीजिएगा उसको। हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और कलौंजी ऐड कर दूंगी जैसे मैंने पहले किया था। उसको हल्का सा प्रेस कर देना है, ज़्यादा नहीं दबाना है इसको, हल्का सा प्रेस कर देना है मुझे इसको। और जो रेस्ट ऑफ बॉल्स है ना डो का, उसको आप ऐसे ही ढक के रखिए तो ड्राई हो जाएगा। बस इसको मुझे पानी लगाना है इसके पीछे जो है, और हाथ से ऐसे दबा देना है। मैंने कढ़ाई में सॉरी तवा में मैंने रख दिया है इसको। अब देखिए ये भी कितना अच्छा फूलने लगा है। अब जब ऐसे आप फर्स्ट टाइम सेकेंगे तो जो गैस का फ्लेम है उसको रखना है तेज पे, उसके बाद आप थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा। सावधानी से भी हाथ में थोड़ा सा लग सकता है आग। बस देखिए क्रिस्पी नान जो है ये बन के एकदम रेडी है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बटर। अब देखिए इसका जो पीछे है
उसमें भी कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। और जो बटर है प्लीज़ इसको निकाल के लगाइएगा, तवा में मत लगाइएगा बटर। और इसमें भी कंजूसी मत कीजिएगा नान में बटर लगाने में। अब मैं एक एक करके बना रही थी और उनको सर्व कर रही थी। मैं सारे नान तो मैं नहीं दिखाऊंगी, ये जो है ये मेरा थर्ड नान है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है अगर ये स्टेप जो है ये आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो कोई भी लाइक जो बिगिनर्स होता है जिनको खाना बनाना उतना नहीं आता है, वो लोग भी आराम से बना पाएंगे बहुत अच्छा नान। और मुझे इतना ज़्यादा तारीफ है मेरा था जी नान बना के। वैसे ये जो है ये तो आप बहुत फ्रिक्वेंट नहीं खाते, हम लोग तो नहीं खाते हैं प्लीज़, बहुत फ्रिक्वेंट बहुत कम ही खाते हैं। तो जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा बनाते घर में तो उसमें क्या होता है ना, आपका हाथ बैठ जाता है बिल्कुल। और ये जो नान वगैरह होता है ये हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपका हाथ सेट होने में। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना तो फर्स्ट ट्राई में आपका बहुत ही अच्छा नान बनेगा, बहुत ही। बट हाँ, जो जो स्टेप मैंने बताया था प्लीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ, गार्लिक ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा इसमें, नहीं तो बिल्कुल छेद हो जाएगा नान में और वो फूलेगा नहीं और पतला बनेगा नान को, मोटा नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरा लास्ट नान है। मुझे नीतीश बार बार बुला रहे थे बोलने के लिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है नान। जो भी, तो मैंने सेम जो नमक वाला पानी है उसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें और हाथ से थोड़ा सा ऐसे दबा दूंगी मैं नान को। और मुझे लगता है अगर आप पतला नान बनाएंगे ना तो एक मिनट में एक नान तो बन के एकदम रेडी हो जाएगा। हाफ मिनट लगेगा एक एक साइड सेकने में। और गैस को जब ये नान लगाएंगे ना, गैस तो एकदम फ्लेम जो है वो एकदम तेज आंच पे होना चाहिए, तवा भी एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा तेज जो फ्लेम होगा उससे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, नहीं तो ना वो एकदम ब्लैक हो जाएगा पीछे से। मेरा एक एक नान बहुत ज़्यादा अच्छा फूला था। बस इस साइड पे एकदम रेडी है, थोड़ा सा मैं सेक लूंगी और सेकने टाइम और ज़्यादा फूल जाता है नान। बस रेडी है ये नान भी, ये मेरा लास्ट नान था। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, गरम गरम नान लेके। तो मैंने इसमें ढेर सारा लगा लिया है बटर। बटर को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में। ये है थाली, जो मटर मैंने बनाया था वो बटर नान, प्याज मैंने बनाया था ये।
फ्रेंड्स, डिनर तो हो चुका है और क्या है, मुझे सडनली याद आया कि मैंने जो ये ब्लॉग है उसको मैंने एंड नहीं किया है और रात तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लाइक 1:30 के लगभग हो रहा है अभी, और मैं अभी कर रही हूँ ये वाला ब्लॉग जो मैंने बनाया है उसको एडिट। तो मुझे लगा मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग को, मैं थोड़ा सा बात करके आप लोगों के साथ उस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और हाँ, जो खाना था, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत ही। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट का जो नान होता है उस नान और जो घर में बना हुआ नान होता है कितना ज़्यादा अंतर है। जो रेस्टोरेंट में होता है वो थोड़ा सा चीवी हो जाता है ठंडा होने के बाद, बट आज का जो नान का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की वो एकदम चीवी नहीं हुआ था, ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगा था खाने में, बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट लगा। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली, नीतीश को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये नान, क्योंकि गार्लिक नान तो सबको अच्छा लगता है, सबको, और स्पेशली मुझे, नीतीश, हम दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं कुछ नॉर्थ इंडियन खाते हैं तो उसके साथ नान, जो गार्लिक नान है, वो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो चलिए, बातें तो चलती रहेगी, ये जो ब्लॉग है मैं उसको कर रही हूँ हिप पर ही एंड। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, कोशिश कीजिएगा इस वायरस के सीज़न में इनडोर में ज़्यादा रहने के लिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखने के लिए। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू।